विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति द्वारा दिव्यांगों के स्टॉल पर होने वाली अतिक्रमण कार्रवाई, दिव्यांगों के नाम पर घर टैक्स और पानी के टैक्स पर 50% की सहूलियत देने की मांगों को लेकर संविधान चौक पर आमरण उपोषण किया जा रहा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया गया है। विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति द्वारा आज संविधान चौक पर आंदोलन किया गया है। आंदोलन के दौरान दिव्यांगों द्वारा दिव्यांगों के स्टॉल पर होने वाले अतिक्रमण कार्रवाई को स्थगित किया जाए, दिव्यांगों ने स्वखर्च से बनाए स्टॉल को कानूनी मान्यता दी जाए, साथ ही अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। यहाँ पे हमने चार मांगे की है कि जो सबसे पहली मांग में उल्लेख है कि जो भी दिव्यांगों के स्टॉल है उनकी थोड़ी सी चौकसी करके जो सिर्फ दिव्यांग चला रहे हैं उनको ही नियमित किया जाए। 6x8 के स्टॉल मनपा द्वारा पूरे शहर में दिए जाए और जो भी टैक्स में और पानी के बिल में दिव्यांगों के नाम पे जो भी घर है तो उनको टैक्स और बिल बिल में ये नियमित किया जाए। और जो अभी शहर में जो अतिक्रमण कार्यवाही हो रही है दिव्यांगों की दुकानों के ऊपर में, जो कि नाजायज है, बाकी के दुकानें छोड़ देती है कॉर्पोरेशन। साथ ही यह मांग भी की गई कि शहर के दिव्यांगों को व्यवसाय के लिए मनपा द्वारा स्टॉल दिए जाए, यही नहीं घर टैक्स और पानी टैक्स में 50% की सहूलियत दी जाए। इन मांगों को लेकर दिव्यांगों द्वारा आमरण अनशन किया गया है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिव्यांगों द्वारा दिया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।